केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ऊना दौरे के दौरान स्थानीय विश्राम गृह में जनता की समस्याएं सुनी। सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए प्रदेश का शेयर देने में असमर्थता जाहिर करने के बाद अनुराग ने एक बार फिर ऊना हमीरपुर रेल लाइन को जनता के हित में बताया। अनुराग ने कहा कि कोई अन्य तरीका निकाल कर इस रेल लाइन को बनाया जाएगा। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों पर अनुराग ने कहा कि फसलों की बर्बादी के कारण यह समस्या पेश आई है। वहीं अनुराग ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर पर पूरा नियंत्रण रहा है। वहीं पी चिदंबरम के बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में बैंकों का पैसा पानी की तरह बहाया गया और लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, लेकिन मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। ऊना हमीरपुर रेल लाइन बनाने के लिए प्रदेश सरकार के 3,000 करोड़ के शेयर को लेकर सीएम जयराम ठाकुर द्वारा असमर्थता जताने के बाद अनुराग ने एक बार फिर ऊना हमीरपुर लाइन को जनता के हितों के लिए जरूरी बताया है। वहीं प्याज की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पूर्व सीएम शांता कुमार के बयान के सवाल पर तो अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। वहीं अनुराग ने कहा कि इस मामले पर तो कृषि मंत्री ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन बरसात में विलंब और फसल बर्बाद होने के कारण यह समस्या पेश आई है। अनुराग ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में महंगाई दर पर नियंत्रण रखा। अनुराग ने कहा कि मोदी सरकार जागरूक रही और बिचौलियों पर लगाम लगाई गई। साथ ही उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में महंगाई दर 12-14% रही और भाजपा कार्यकाल में महंगाई दर 2-4% के बीच रही। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ने कहा कि जब इनके हाथों में अर्थव्यवस्था थी, उस समय बैंकों का 40 लाख करोड़ पानी की तरह बहा दिया गया और लाखों करोड़ों के घोटाले कांग्रेस के समय हुए हैं। किशन जी की तरफ से होगी, इनके तो 30 ही एक कॉल वो भी सीख कर रहे हैं। ये उनकी रिकमेंडेशन है जो किशन जी के इलेक्शन में थे ना, यहीं से तो जो बैटर कर लेंगे हो गए काम फर ले काफी है जी कार बाहर करनी जरा लाइट। मुझे लगता है 4-5 जिलों को इस रेलवे लाइन का लाभ मिलेगा, ऊना से हमीरपुर, ना केवल ऊना बल्कि हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, इनके बहुत सारे क्षेत्र के लोगों को रेलवे लाइन का लाभ मिल सकता है और रेलवे से सस्ती सफ़र करने का कोई भी माध्यम आज हम सबके बीच में नहीं है। इससे सस्ता कोई है तो पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन का है, लेकिन उसकी संभावनाएँ हिमाचल में नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं रेल परियोजनाओं पर महत्व देना चाहिए। हमने देखा है कि किस तरह से जितनी भी गाड़ियां ऊना से चली, उन सब में अगर आप देखें तो लगभग फुल होती है, वेटिंग उसकी रहती है। तो ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन हिमाचल के हित में है, इसमें कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा ताकि इस रेलवे लाइन को बनाकर हिमाचल प्रदेश को दिया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।